वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम वीटा वीडियो एडिटिंग ऐप में कुछ नए एडिटिंग सीखेंगे। उसके लिए आज हम सबसे पहले एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। मैंने आपको बेसिक एडिटिंग बताई थी, ट्रांजिशंस बताई थी, तो आज एक वीडियो कैप्चर किया है स्पेशली और उसी के ऊपर हम कुछ एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने स्पेशली कुछ वीडियोस अभी कैप्चर किए थे, ये रिगार्डिंग फ्लावर्स। एक 12 सेकंड का एक क्लिप है, एक 24 सेकंड का है, तो मैं 12 सेकंड वाला क्लिप एक ले लेता हूँ। ओके, तो ये कुछ इसमें आवाज़ें आ रही है, तो मैं इसको सबसे पहले आवाज़ को ख़त्म करता हूँ जो वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो गई है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्लिप को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखो वॉल्यूम, मुझे इसको सेलेक्ट करना है वॉल्यूम को। तो मैं वॉल्यूम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये देखो लेफ़्ट एंड राइट एक जगह आपको नज़र आ रहा है 100% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, 200% तक चली गई, ये 100% पे है। और मैं बिल्कुल इसको लेफ़्ट साइड ज़ीरो पे ले जाता हूँ, मतलब मुझे आवाज़ चाहिए नहीं, और मैं नीचे टिक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अब प्ले करूँगा तो मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मतलब ये ज़ीरो हो चुकी है आवाज़। ठीक है, अब हम कुछ एडिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा था म्यूज़िक को कैसे ऐड करते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ी जल्दी से एडिटिंग करनी है तो उसमें एक बहुत अच्छी ऑप्शन है स्टाइल। ये देखो आपको नज़र आ रही है एडिट से पहले लेफ़्ट साइड स्टाइल, तो मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। अब देखना, मैं स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है मेरे पास। अब जैसे सबसे पहले चिल को ट्राई करते हैं, इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई कर रहा है स्टाइल। अब ये देखो इसने अपने आप ही टाइटलिंग भी दे दी, कलर चेंज कर दिया, म्यूज़िक भी लगा दिया, मतलब कितनी जल्दी प्रिपेयर कर दिया वीडियो मेरे लिए। सेकंड करते हैं, शाइन चेक करते हैं, ये देखिए ग्लिटरिंग इफेक्ट, एक अच्छा सा म्यूज़िक भी लगा दिया। तो ये एक बड़ा फास्ट वे और बड़ा इजी वे है जिसकी हेल्प से हम अपना वीडियो रेडी कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी अपने आप लग गए, वीडियो भी अपने आप लग गया। ओके, सेम वे स्टोरी, एक मूवी फिल्म, देखो इसका इफेक्ट थोड़ा अलग कूल सा इफेक्ट है, डिस्को, अगर आप डांस करने का आपको शौक है तो ऐसे में आप ये इफेक्ट लगा सकते हैं, मतलब बहुत से इफेक्ट हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है। देखो बड़ा कूल सा इफेक्ट है, इसमें बहुत सारे हैं, मेमोरीज, आई थिंक ब्लैक एंड व्हाइट होगा ये इफेक्ट। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि हम इसमें प्री इंस्टॉल्ड स्टाइल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो आपको ये स्टाइल का यूज़ करना आ गया है। अब हम क्लिप को सेलेक्ट करते हैं, इसमें देखो स्प्लिट की ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट करना चाहता हूँ, क्या हुआ, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये टू पार्ट में डिवाइड हो गई, ये देखो। और बीच में अगर हम चाहें तो आपको बता रखा है हम ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। मैं जूम इन कर देता हूँ,
तो हम स्प्लिट बीच में कर सकते हैं, मतलब हम एक क्लिप को, वीडियो क्लिप को भी काट सकते हैं। सेकेंडली, एक हम इफ़ेक्ट के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें जूम इन इफ़ेक्ट है, मतलब क्लिप के ऊपर अगर हमने इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, कई बार ये इफ़ेक्ट भी लगाते हैं, जैसे फुल HD रिकॉर्डिंग का ये फ्रेम सा बना आ जाता है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के ऑप्शन आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई और इफ़ेक्ट लगाते हैं यहाँ पर। बेसिक में जूम इन है, यहाँ पर बहुत सारे फोकसिंग है, फोकसिंग को मैं लगा के देखते हैं कैसा लगता है। अब देखते हैं कैसा लगता है, देखो अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखो ब्लर से एकदम से सामने आता है। यहाँ कोई और लगाते हैं इफ़ेक्ट, हम इसको क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन, हाँ अब इस एनिमेशन में हमारे क्लिप को फ्रेम के अंदर लेके कैसे आना, मतलब आपके सामने वो क्लिप कैसे आएगा, तो मैं फ्रेम इन पे करता हूँ। ये देखो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे चाहिए, सपोज़ मुझे स्लाइड डी चाहिए, अब देखते हैं कैसा आएगा ये, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, मेरे पास डायनेमिक भी है, यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस हैं, सपोज़ मैं ब्लेंड टू यूज़ करता हूँ, ये देखो कैसे आ रहा है। अब देखना, ये फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, और इसके बाद ये देखो क्या इफ़ेक्ट बन के आ रहा है। ओके, मैं पीछे चल जाता हूँ। अब मैं इसी इफ़ेक्ट को अंडू करता हूँ, अंडू के लिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है अंडू, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, अंडू एनिमेशन। अब देखो ये सिंपल एनिमेशन हो गई है, इसमें मैं कुछ आपको और इफ़ेक्ट्स बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार जब इस सिलेक्ट हो जाता है, क्लिप सेलेक्ट होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन आती है नीचे, और अगर क्लिप नहीं सेलेक्ट होता है मैं एक बार इससे बाहर चला जाता हूँ, बाहर जाने के लिए लेफ्ट बॉटम एरो है, यहाँ पर देखो इफेक्ट नज़र आ रहा है आपको रेशो के बाद, इस इफेक्ट पे लगाता हूँ मैं प्रेस करता हूँ फिंगर, एनिमेशन स्टाइल है या इफेक्ट है, ये मैंने आपको बेसिक बताए थे। अब फ्रेम है, यहाँ पर फ्रेम इफेक्ट है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, कई बार हमें इस टाइप के इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैं, मुझे नियोन फ्रेम अच्छा लग रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक बार टिक करता हूँ, अब देखो क्या इफ़ेक्ट आएगा। और मुझे ये फ्रेम अगर सारा चाहिए तो मैं आई प्रेस माई फिंगर ऑन द साइड, ये जो इफेक्ट है नियोन फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, और फिर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा जितना मुझे लंबा चाहिए ये। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, देखो बड़ा खूबसूरत सा फ्रेम बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ, कुछ और ट्राई करते हैं, अंडू कमांड, यहाँ से मैं फिर इफेक्ट पे आता हूँ, फ्रेम आपको आई होप समझ में आ गया, कोई भी फ्रेम आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से गोल्ड फ्रेम ट्राई करते हैं, अभी देखना गोल्ड फ्रेम, आई होप ये क्लियर हो गया, मैं इसको भी अंडू कर देता हूँ, कुछ और इफेक्ट लगाते हैं, फ्रेम आपको क्लियर हो गया, रेट्रो, ये ग्लिचेस हैं कुछ, यहाँ से मैं ब्लिंग ग्लिच यूज़ करता हूँ, इसको लगाता हूँ और टिक करता हूँ ऊपर से, अब ये देखना, ओके, कुछ इस टाइप का इफेक्ट है, मैं फिर अंडू कर देता हूँ, फ्रेम हो गया, रेट्रो हो गया, रेट्रो में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो,
ब्लिंग इफेक्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा। सबसे पहला 90s पर्पल, अगर मैं इसको लगाता हूँ, अब देखना जरा, अब अपना वीडियो देखना और मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। बड़ा छोटा करने के लिए बिल्कुल आपको बॉर्डर पे अपनी फिंगर टच करनी पड़ेगी, तभी होगा ये। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तो अब ये देखो कि इफेक्ट और साथ में वो ग्लिटर्स आ रहे हैं जो। ओके, तो यहाँ से आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, फिर वापस एनी इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लिंग पे जाता हूँ। यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं, पिंक ट्राई करते हैं। यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम करेंगे कम हो जाएगा, जब ज़्यादा करेंगे ज़्यादा ग्लिटरिंग इफेक्ट आएगा। अब देखना इसको, ये बड़ा कूल इफेक्ट है जो आप अपने वीडियोज या पिक्स पे यूज कर सकते हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, स्टाइल्स कैसे हम यूज करते हैं और प्लस हम कैसे इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, नीचे से मैं सेलेक्ट करूँगा, नीचे देखो डिलीट की ऑप्शन आ रही है एट द बॉटम। कॉपी से पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इफेक्ट के साथ एक एनिमेशन भी आ रहा है। इस एनिमेशन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कार्टून इफेक्ट है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो ये जो आपके फ्लावर्स हैं ये कार्टून इफेक्ट में आ गए, कार्टूनिश लुक दे रहे हैं। तो आप ये इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। वापस इसको अंडू कर देता हूँ। यहाँ से बहुत से इफेक्ट हैं, एनिमेशन 5 है और यहाँ पर आपको जब कई बार इफेक्ट बड़ा करना होता है तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है। कई बार आपकी वो जो इफेक्ट है बॉर्डर सेलेक्ट नहीं होता। तो अब ये देखो, ओके, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया और आप अपने क्लिक्स में स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं प्लस आप इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं अपना आज का ट्यूटोरियल यहीं फिनिश करता हूँ। टिल देन, बाय।